मतलब समझती है? हाँ, इसको हम लोग को आजाद जेल से छुड़वाना है और इसका सम्मान करके। जेल में क्यों बंद है पता है? नहीं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दादा से पूछ रहे हैं कि ये जेल में क्यों है। तो क्या पता चला? ये पता चला कि ये कोई जुर्म से नहीं, साजिश से इसको जेल में अंदर किया गया। तुम तो वोट देने लायक है नहीं। हम नहीं, मेरे घर में और बहुत कोई है, वो वोट दे करके छुड़ाएंगे। जब हम भी हो जाएंगे तो हम भी देंगे हेमंत सोरेन के वोट। जोहार। दुमका लोकसभा का गेंदो ये में जो सभा हो रहा है दुमका प्रखंड के अंतर्गत, यही सभा के पास में हूँ। ये छोटी छोटी बच्चियाँ देखिए खड़ी है, यहाँ कल्पना सोरेन का आगमन होने वाला है और ये छोटी छोटी बच्चियाँ लेके खड़ी है जेल रियाक जवाब वोट से, आने की जेल का जवाब वोट से, ऐसा कुछ बोल के खड़ी है। हम इन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं क्या नाम हुआ तुम्हारा? जासमीन परवीन। जासमीन, इसका मतलब समझती है? हाँ, इसको हम लोग को आजाद जेल से छुड़वाना है और इसका सम्मान करके समर्थन करना। हाँ। है कौन दिया है तुम लोग? हाँ, अपने मन से लिए, खुद से लिए। अपने मन से लिए है। ये जेल में क्यों बंद है पता है? नहीं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दादा से पूछ रहे हैं कि ये जेल में क्यों है। तो क्या पता चला? ये पता चला कि ये कोई जुर्म से नहीं, साजिश से इसको जेल में अंदर किया गया है। साजिश के तहत? कौन साजिश किया है? मोदी सरकार। कैसे बंद किया? ये झूठी साजिश की वजह से। अच्छा, हेमंत सोरेन कैसा मुख्यमंत्री था? ये हमारे लिए तो अच्छा था। काम करता था छोटी छोटी बच्चियों के लिए? हाँ। कौन क्लास में पढ़ती है? 8 में। कुछ सुविधा दिया था? हाँ, दिया है। तो इसीलिए तुम लोग यहाँ आज देखने आई है कल्पना सोरेन को। बहुत धूप है, बहुत गर्मी है। हाँ। फिर भी खड़े है? हाँ। देखेगी तब जाएगी। हाँ। क्या बोलेगी कल्पना सोरेन को? कि जल्दी हमें अपना सरकार को छुड़ाना है और जल्दी छुड़ाने की कोशिश करेंगे वोट दे करके जल्दी से। तुम तो वोट देने लायक है नहीं। हम नहीं, मेरे घर में और बहुत कोई है, वो वोट दे करके छुड़ाएंगे। जब हम भी हो जाएंगे तो हम भी देंगे हेमंत सोरेन के वोट। हेमंत सोरेन को ही देगी। देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ की क्या कहना है, थोड़ा ये तस्वीर को सुनिए। तुम्हारा नाम क्या है? रेशमी खातून। कौन से क्लास में हुआ? 4 में। हाँ। तो क्या लगता है कि ये क्यों लेके खड़ी है? सरकार को छुड़ाना है। हाँ। ये काहे बंद है, क्यों बंद है? साजिश किए हैं। कौन साजिश किया है? मोदी सरकार। हाँ। तो मोदी कल तो आया था, तो हम लोग नहीं दिखे हैं ना, हम लोग नहीं देखे हैं। मोदी तो कल आया था ना, सुनी थी? हाँ, सुने थे। तो वो तो बोल रहा था बहुत कुछ। हाँ। तो क्या लगता है उससे क्या फर्क पड़ेगा? हमको तो कुछ लगता है क्योंकि वही हल्का फुल्का। मोदी कैसा लगता है, कैसा बोलता है वो? वो जो बोलता है वो करता है? नहीं, उतना नहीं, जो बोलता है वो थोड़ा, वो जो बोलता है वो नहीं करता है। नहीं करता है? नहीं, हमारे बहन के लिए, हमारे दीदियों के लिए तो कुछ भी तो नहीं किया। क्या तुम्हारा क्या नाम है? नरगिस परवीन। नरगिस, तुम कौन क्लास में हो? नरगिस ने नरगिस पर। अच्छा, नरगिस कौन सी क्लास में बेटा? 10th में। अभी पहुँचे हैं 10th। अभी 10th पहुँच गई। अच्छा, यहाँ धूप में खड़ी है। हाँ। कल्पना सोरेन अभी आने वाली है, क्या लगता है ये चिल्लाती धूप में क्यों खड़ी है? कल्पना अपने सरकार के लिए। हाँ। अच्छा, और क्या कहेगी? यही कहेंगे कि सरकार को जिताना है, हेमंत सोरेन को जिताना है। तुम तो 18 साल हुई तुम्हारा, नहीं ना? नहीं। तो आप कैसे जिताएगी? हम नहीं देंगे, मैं मम्मी पापा दादा दादी इस लोग देगी। उससे जितवाएगी? अच्छा, उसे ये जितवाएगी। ये छोटी छोटी तमाम बच्चियां जो है, इन लोग का थोड़ा सा कहना आप थोड़ा समझिए कि ये कड़ाके की, मतलब क्या कह सकते हैं, चिलचिलाती धूप है, दोपहरिया का समय है और बहुत भयानक गर्मी है। ये वो गर्मी नहीं है जो रांची क्षेत्र के है, ये दुमका संथाल परगना की गर्मी है। यहाँ की गर्मी तेज होती है, यहाँ की जो सेल्सियस कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। फिर भी आप लोग इतना धूप में है। हम लोग अब हेमंत को जेल से छुड़ाना है। कैसे छुड़ाइएगा? छुड़ाना है, बुरी तरह से इसको फंसाया गया है। देखिए तमाम लोग, जितने भी जनता से हमारी बातचीत हो रही है, तमाम लोग जो है, हमें लगता है कि हेमंत सोरेन को जेल में बंद करना एक तरह से की भूल है। क्या भाजपा वाले की चाल है? चाल
खैर जो भी है, ये भूल होगा क्या, ये तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये चुनाव में भी समझ में आ जाएगा कि कितना सीट किसके झोली में जाता है, कितना सीट कौन लाते हैं। और इससे सही साबित होगा कि हेमंत सोरेन को जेल में बंद करना भूल है, ये क्या कुछ है ये तो नहीं कह सकते। हालांकि ये तो कोर्ट का मामला है, ये लीगल मामला है, लीगल मामले के तहत वो जेल में गए हैं, वो तो जांच का विषय है और जांच चल रहा है, इस पे जो भी है हमारा न्यायालय है वो तो कार्य करेंगे ही। बाकी तमाम जितने छोटी छोटी बच्चियां हैं, तमाम जो जनता है जो आप देख रहे हैं चिलचिलाती धूप में खड़ी है, इन लोग का बयान जो आपने सुना है, ये बयान क्या कुछ कहती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली कड़ी में, दीजिए पंकज को इजाज़त, जोहार।